कि जो डाई बनाई जाती है वो किस केमिकल से बनाई जाती है, कौन सा मैट इस्तेमाल होता है और कौन सा रेजर या कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर लिया जो सेम दोनों पर काम करे और दोनों चीजें एक हाई क्वालिटी के निकले, ताकि अलग अलग केमिकल लेने की जरूरत ना पड़े स्टार्टिंग में। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, ये सामान जो है ये कोहार जा रहा है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब है और पेशावर से तकरीबन लगभग पेशावर के करीब ही आता है ये। तो ये सामान भाई ने मंगवाया है जिसका उसने गाड़ियों के पार्ट्स की डाइयाँ बनानी हैं और पार्ट्स बनानी हैं, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप मुकम्मल देखें और आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि कौन कौन सी मैट और कौन कौन से केमिकल लगती हैं, या सेम एक ऐसा ही प्रोडक्ट बना लिया जाए जिससे हम पूरा काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ये मुमकिन के आदम और आप देख रहे हैं फॉरेनवन बिजनेस आर्ट। आज का मेरा मौजू है कि जो डाई बनाई जाती है वो किस केमिकल से बनाई जाती है, कौन सा मैट इस्तेमाल होता है और कौन सा रेजर या कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर लिए जो सेम दोनों पर काम करे और दोनों चीज़ें एक हाई क्वालिटी के निकले, ताकि अलग अलग केमिकल लेने की जरूरत ना पड़े स्टार्टिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये जो सामने पड़ी हैं ये कौन कौन सी मैट है और ये किस किस काम आए। आज का मेरे मौजू है कि आप ऑनलाइन मुझसे ये माल कैसे खरीद सकते हैं। दूसरी जो खास बात है वो आपके साथ ये शेयर करनी कि ये जो केमिकल है ये किस काम में इस्तेमाल होगी, ये आपके पास मैटें पड़ी हैं ये आप देख रहे हैं तो ये भी मुख्तलिफ हैं, यानी कि मोल्ड किसे मैट से बननी है और आगे जो पीस आपने निकालना है जो पार्ट्स निकालना है वो किस मैट से बनेगी, ये चीजें आपके साथ शेयर करनी है ताकि आपका नुकसान ना हो। आप स्टार्टिंग में एक ही केमिकल ले लें, अच्छे केमिकल ले लें ताकि आपकी ज्यादा वेस्ट ना हो और आप अपना काम इजी से कर सके। तो आइए सबसे पहले मैं तारीफ करवा दूं, ये पॉक्सी रेजन है, पॉक्सी रेजन ए ग्रेड, इसकी पैकिंग मिनिमम 5 kg की है और दूसरे नंबर पर ये पॉक्सी जेल कोट, ये भी ए ग्रेड है, 5 kg की पैकिंग है और इसके साथ कोबाल्ट एक्सीलेटर और साथ एच प्लस हार्डनर। और ब्रश में आपको दिखा देता हूं, आपने ब्रश जो लेनी है तो हमेशा ये 4 inch का ब्रश लिया था और दो कम से कम 2-3 inch के लें और साथ ये 2 inch के दो लें मिनिमम, यानी कि अगर आपने काम करना है तो फिर कोई जगह ऐसी होती है जो जहां बड़ा ब्रश नहीं जाता, फिर आप 3 inch से काम चला लें फिर 2 inch से चला लें, ये जरूरी है। ब्रश हमेशा ज्यादा होने चाहिए, खराब होने के भी चांस हो जाते हैं। तो आइए मैं तारीफ करवा दूं आगे, ये जो मैटें हैं मुख्तलिफ ये किस किस काम में इस्तेमाल होती हैं। दोनों पे लदा लदा कोड है और लदा लदा ग्रामिंग है, तो मैं चेक करवा देता हूँ ताकि आपके जेहन में आ जाए कि मोल्ड किस मैट से तैयार होती है और जो आगे पार्ट्स बनाते हैं यानी पीस बनाते हैं किसी भी चीज का तो वो किस मैट से तैयार होगी। सबसे पहले आपको मैं मैट का तारफ करवा देता हूँ। मैट जिससे आप पीस बनाएंगे यानी कि मोल्ड से जो पीस निकालना उसमें ये मैट इस्तेमाल होगी, तो मैं हमेशा नंबर लगाकर लिखकर भेजता हूँ ताकि बंदों को आसानी हो काम करने में। ये पीसी मैट 300 है, यानी ये पीस बनाने में काम आएगी, मोल्ड नहीं पीस बनाने में। और दो मैटें लगेंगी, एक 300 पीसी मैट और दूसरी मैट साथ 225 पीसी मैट, यानी कि जब आपने पीस बनाना है तो सबसे पहले आपने ये वाली मैट लगानी है, ये आप जेहन में रखें कोड। और दूसरे नंबर पर आपने ये 300 वाली लगानी, यानी कि पहली जो लेयर है वो इसकी लगेगी, ये बारीक होती है ये बैठ जाती है, ये आपने जेहन में रखना है। ये दो मैटें हमेशा लेनी है जब आप किसी गाड़ी के पार्ट्स बनाएं या कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं। और आगे आ जाते हैं मोल्ड बनाने वाली मैट, ये कौन सी मैट है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो मैट है जिससे मोल्ड बनाई जाती है, ठीक है ना, इसे मैट एम मैट यानी मेंशन मैट कहते हैं, ये भी आपको 300 नंबर की भी लेनी है, ठीक है, और आपने 225 की भी लेनी है, यानी कि 225 की भी लेनी है और 300 वाली भी मैट लेनी है। तो पहली लेयर हमेशा लगती है ये 225 की, फिर उसके ऊपर आप जितनी चाहें लेयर लगा लें 300 मैट की,
तो ये मोल्ड के लिए होती है। हमेशा याद रखना आपने मोल्ड की मैट कि और किस्म होती है उसमें मेंशन मैट यानी एम मैट लगती है, और जो पीस बनाए जाते हैं कास्टिंग निकाली जाती है या फाइबरग्लास शीट बनाई जाती है वो पीसी मैट से लगती है। इसे चौपड़ मैट भी कहते हैं, पीसी मैट भी कहते हैं, ये आपने जहन में रखना है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको बल्कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा कि कैसे कैसे काम करना है, किस काम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो मुझे इजाजत दें नेक्स्ट वीडियो तक। अगर आप ऑनलाइन मुझसे बाय करना चाहती हैं तो उसके लिए मेरी वीडियो में नंबर है व्हाट्सएप का, तो व्हाट्सएप में आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं चाहे आप कहीं से भी हो, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो मुझे इजाजत दें नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।